गुजरात में तबाही मचाकर आगे बढ़ चुके चक्रवाती तूफान बिपरजोय ने अब राजस्थान को भी अपनी चपेट में ले लिया है। बिपरजोय के असर के कारण गुरुवार रात से ही राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। उदयपुर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को अच्छी बारिश हुई। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात राजस्थान में गहरे दबाव के रूप में है और आगे चलकर अवसाद की श्रेणी में आ जाएगा। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश सोमवार तक जारी रहने की संभावना है। शनिवार सुबह उदयपुर में बिपरजोय का खासा प्रभाव देखा गया। तेज हवाओं के चलते जहां अनेक पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, वहीं यहां एक इमारत की दूसरी मंजिल से कांच गिरा और नीचे खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई। आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग के सचिव पीसी किशन ने बताया कि रेड अलर्ट को देखते हुए फिलहाल महंगाई राहत शिविर निलंबित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मूसलाधार बारिश के अनुमान के कारण जारी रेड अलर्ट को ध्यान में रखते हुए सभी एहतियाती तैयारियां पूरी कर ली गई है। मौसम विभाग ने 17 जून को बाड़मेर और जोधपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ भीलवाड़ा, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, नागौर में तेज गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसी बीच प्रशासन ने भारी बारिश से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में राष्ट्रीय आपदा बल की 8 और किशनगढ़, अजमेर में एनडीआरएफ की एक कंपनी को तैनात किया गया है। विभाग ने शनिवार को बाड़मेर, जालौर में अलग अलग क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जोधपुर, पाली और सिरोही में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि जैसलमेर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में भारी वर्षा का अनुमान है।